रेडार पर लेकर आएंगे इमामी का शेयर। इमामी की दूसरी तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो यहाँ पर आय में करीब करीब 6% तक की वृद्धि देखने को मिली, एबिट्टा 20% बढ़ा है, मार्जिन्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन अन्य आय घटने से मुनाफे पर 3% तक का दबाव बना। सेकेंड क्वार्टर में एड सेल्स में करीब 9% का इजाफा देखा गया है। अब H2 इनके लिए ज़्यादा अहम रहती है क्योंकि जो इनका इनकी विंटर प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो है वो अच्छा खासा बिकता है। हमारे साथ कंपनी के CEO फाइनेंस और CFO NH बंसाली जुड़ गए। बंसाली साहब, स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। एक अगर अंदाज़ा दे सकें, ये सेकेंड क्वार्टर रहा कैसा है डिमांड के लिहाज से आपके लिए? सेकेंड क्वार्टर अच्छा ही रहा। लुकिंग एट द ओवरऑल सिनारियो, अगर आप FMCG कंज्यूमर्स का जो सेंटीमेंट अभी का देखें एनवायरमेंट, उस हिसाब से वी आर अलाइंड एंड डिस्पाइट दिस रेवेन्यू का ग्रोथ 6% हुआ इस क्वार्टर में ओवरऑल, और डोमेस्टिक में भी 4% का ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ विच इज लेड बाय वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट 2%, एंड इंटरनेशनल बिजनेस में भी कॉन्स्टेंट करेंसी का ग्रोथ हमारा 16% का है। दिस तो आप उसमें रिपोर्टेड ग्रोथ दो इज ऑफ 12%, so domestic international both have done well, it is reasonably good, though we could have expected more had the seasons been different, because there are so many challenges of rural offtake kamti rahe, rainfall ka thoda summer season ka issues raha tha, so aur geopolitical situation bangladesh aur russia jahan pe currency ke bahut sare challenges rahe, lekin despite this growth is satisfactory. Has growth picked up ग्रामीण इलाकों में, क्या वो पिकअप देखने को मिला है? क्योंकि ये थर्ड क्वार्टर का एक पूरा महीना हमने देख लिया, तो ये सेकेंड हाफ से क्या एक्सपेक्टेशन की जाए उसका भी अगर अंदाजा दे सके, डिपेंडिंग ऑन ग्रोथ कैसी दिख रही है अभी? जी, तो अभी जैसे विंटर सेट इन हो रहा है, लग रहा है बाय द एंड, बट बाय द पिक्चर वुड बी मोर क्लियरर बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, वेल द फुल विंटर वुड बी सेटिंग। लगता है वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि ये क्वार्टर अच्छा ही जाना चाहिए। ओके, इस पर्टिकुलर फिर क्वार्टर के लिए आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं मिक्स रहने वाला है? क्योंकि अब की बारी मैं देख रही थी जो ओवरऑल मिक्स है, मेल ग्रूमिंग में कुछ पिकअप देखने को मिला है, पेन मैनेजमेंट वाज फ्लैट, ऑफ कोर्स नवरत्न डर्मी कूल वाज रियली गुड बिकॉज वो समर सीजन में वो डिमांड उन प्रोडक्ट्स की बढ़ जाती है। बोरो प्लस के लिए आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं सेल्स रह सकती हैं विद व्हाट यू आर हियरिंग ऑन द ग्राउंड? तो जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर में विंटर डोमिनेटेड क्वार्टर रहता है, एंड दियर ईयर द मेन प्रोडक्ट्स वुड बी बोरो प्लस ब्रांड वुड बी द मेन कंट्रीब्यूटर अलोंग विद द चवन प्राज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। सो बेस्ड ऑन द सीजन द वे इट इज सेटिंग इन एंड वी एक्सपेक्ट द नॉर्मल द जो मेट्रोलॉजिकल रिपोर्ट्स है उस हिसाब से तो अच्छा ही सीजन लग रहा है, तो अच्छा ग्रोथ आना चाहिए। इट्स विल बी डिफिकल्ट टू पुट अ नंबर, बट वी एक्सपेक्ट अ गुड ग्रोथ टू कम इन। अच्छा, एक सर हमें अंदाज़ा अगर दे सकें कि आपने वो 26% स्टेक एक्सियम आयुर्वेदा में खरीदा, क्या इस हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहेंगे इन द न्यू नियर फ्यूचर, और ये आपके ओवरऑल सेल्स पोर्टफोलियो में कितना ऐड करने वाला है गोइंग फॉरवर्ड? तो आपने राइटली कहा ये 26% स्टेक है, तो इट इज जस्ट एन इन्वेस्टमेंट, बट इट इज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सो ओवर अ पीरियड वी विल एंश्योर दैट इट ग्रोस, we will support the brand, so it will be run by the same entrepreneur, wo log hi karenge, but it will be under our with our support, to acha grow karega, and over a period agar acha raha we would be looking at this opportunity for growing further and adding it to our turnover over a period. Okay. But not in the very near future. तो जब आप अगले क्वार्टर में नंबर्स देंगे तो वो जूस कैटेगरीज में गिनी जाएगी या फिर वो अलग से पूछना पड़ेगा? We don't have a juice category as such. नहीं, क्योंकि Axiom is in that business, right? Yeah, that is right. So, but that would not get added to our sales because it is just 26%. Once it crosses 51%, then only it can be added to our turnover. Okay. My final question to you, sir. FY24 के लिए किस तरह का margin outlook रहेगा? Because this quarter also margins have improved. क्या और strength देखने को मिल सकती है? जी, मार्जिन का इम्प्रूवमेंट हुआ है मेनली बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल प्राइसेस थोड़े से सॉफ्टर हुए, राइट फ्रॉम कमोडिटी प्राइसेस, राइस ब्रांड ऑयल से लेके कैम्फर एंड वैक्सीज एंड मेनी अदर एंड पैकेजिंग मटेरियल्स, और उससे 350 basis points का मार्जिन इम्प्रूवमेंट एंड ऑल्सो द जुडिशियस प्राइस इंक्रीजेस विच वॉज डन ओवर ए पीरियड, सो वी एक्सपेक्ट फॉर द ईयर ऑल्सो एटलीस्ट 200 basis points काइंड ऑफ एन EBITDA मार्जिन इम्प्रूवमेंट
that would remain on an overall yearly basis as well. बहुत बहुत शुक्रिया सर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर H2. तो यहाँ पर अब विंटर सीजन पिकअप होने के अच्छे साइंस देखने को मिल रहे हैं और मार्जिन्स में और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दरअसल इमामी की तरफ से आती हुई. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.